उत्तर प्रदेश अवलेश कुमार सिंह भी आज भृगु मंदिर में मत्था टेके देखे गए। आज भृगु मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। अभी देखिए आ रहे हैं अवलेश कुमार सिंह जी, जो आज कार्तिक मास में इस भृगु क्षेत्र में आज बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में पूजन पाठ करने के बाद सीधे भृगु मंदिर में आए हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। पूजन हो गया? जी पूजन हो गया। भृगु बाबा का आशीर्वाद लिया गया, बालेश्वर जी के भी दर्शन किया मैंने जी। और बलिया लोकसभा वासी, पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासियों के लिए भृगु बाबा की कृपा से, जो भृगु दरदर मुनि के नाम पे ददरी मेला लगता है, सभी की सुख शांति समृद्धि के लिए पूजा किया, सबके परिवार सुख शांति रहे। अच्छा, क्या दर्शन पूजन हो गया, बालेश्वर मंदिर भी गए थे? हाँ, बालेश्वर जी के मंदिर भी गए थे, पहले वहीं गए थे, उसके बाद तब यहाँ भृगु बाबा के आए हैं। और आज एकादशी का दिन है, विष्णु भगवान का दिन है, तो इसलिए सबके लिए शुभ का दिन है। सबके लिए आपने मंगल काम? हाँ, सबके लिए, पूरे देशवासी, पूरे प्रदेशवासी, पूरे क्षेत्रवासी, हम परिवारवासी, सभी लोगों के लिए शुभकामना के लिए। जब आप जैसे मंदिर में एंट्री कर रहे थे तो कुछ साथी खड़े थे, वो कहते थे देखिए नेताजी आ गए, लगता है कि चुनाव लड़ना है इसलिए मंदिर में दर्शन करने देखे गए, इसके पहले कभी आए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी हम लोग दर्शन करते रहे हैं और बाबा के आशीर्वाद से, कृपा दृष्टि से, सबके सुख शांति के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं और साथ साथ में सबका विकास होना चाहिए। और बाबा का आशीर्वाद रहा तो लोकसभा चुनाव तो लड़ना है, जनता सही करे थे, चुनाव तो लड़ना है। बाबा का आशीर्वाद से हम आशीर्वाद देने आए, कर्म क्षेत्र में लगे हैं और बाबा का आशीर्वाद हो जाएगा तो चुनाव लड़ लेंगे। तो अवलेश कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ना है, इसलिए आज महर्षि भृगु जी की दर्शन पूजन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। चूँकि महर्षि भृगु की प्रतिमा के बगल में दरदर मुनि भी हैं, उन्होंने आज दर्शन किया है। जो राजनीतिक चर्चा है कि अवलेश कुमार सिंह बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, जिसको लेकर वह स्वयं आज भृगु मंदिर बालेश्वर मंदिर में मत्था टेके देखे गए। नमस्कार।